एवरीवन, आई एम वेलकम फ्रॉम माय बालकनी। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं एकदम शांति से यहाँ से वीडियो बना पा रही हूँ। वेलकम टू अ मच अवेटेड स्टोरी टाइम वीडियो। मैं और मेरे पेरेंट्स घर के बाहर 3 बजे लॉक हो गए थे विद अ लॉट ऑफ सामान। सो दिस इज द स्टोरी एंड आई होप यू एंजॉय इट। तो ये स्टोरी है कुछ 2 महीने पहले की। मैं और मेरे पेरेंट्स एक ट्रिप पे गए थे। नाउ आई कांट रिमेम्बर विच ट्रिप इट वॉज। वी रीच्ड माय हाउस एट 2:30 AM को मेरे घर के बाहर पहुंच गए थे। ना मेरे घर पे जो लॉक्स है ना, 2 टाइप के हमने लॉक्स लगा रखे हैं। एक लॉक इज गुड टू वर्क विद, काफी सिक्योर है और आसानी से खुल भी जाता है। पर जो दूसरा लॉक है, हे भगवान, वो लॉक के साथ हमें पहले भी इतनी बार दिक्कतें आई है कि हर बार 15 मिनट लगते हैं वो ताला खोलने के लिए। आई डोंट नो, इट्स जस्ट अ वेरी वियर्ड लॉक। हम 3 बार उसको ठीक करा चुके हैं, ऑयलिंग करा चुके हैं, स्मूथ करा चुके हैं, बट वो कभी बराबर से काम ही नहीं करता। बट जब भी हम बाहर गांव जाते हैं, हम सारे के सारे लॉक्स लगा के जाते हैं, बिकॉज यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे सेफ। एंड ये टाइम भी हमने ये लॉक लगाया था। तो हर बार मॉम डैड का ऐसा तो मैं होता है कि वन पर्सन इज लाइक कि लॉक मत लगाओ ना, जाने दो, कोई नहीं आएगा, सिक्योरिटी अच्छी है। हर बार तकलीफ होती है बाहर गांव से वापस आने के बाद। एंड द अदर पर्सन गोज लाइक, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू बी सेफ, कल को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। सो या वी ऑलवेज एंड अप लॉकिंग दैट डोर एंड गोइंग। तो 2:30 बजे हम वापस आए एंड पहला लॉक हर बार की तरह आसानी से खुल गया। एंड जब दूसरे लॉक की बात आई, तो फर्स्ट अटेम्प्ट था डैडी का। उन्होंने चाबी डाली एंड चाबी बराबर से जाने रही। तो मम्मी ने बताया कि चाबी डालनी कैसी है एंड वो अंदर गई। एंड देन वी पुट इट इन द करेक्ट डायरेक्शन, बट वो एक बार टर्न हुआ और फिर फंस गया और वो टर्न हो ही नहीं रहा। एंड 2 टर्न्स होने जरूरी थे, उसके बिना नहीं खुल रहा था। तो डैड ने काफी ट्राई किया, बट मॉम वॉज लाइक कि डोंट ट्राई इट वेरी हार्ड बिकॉज यू विल बेंड द की, चाबी मुड़ जाएगी और फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो डैड वॉज लाइक ओके, आप ट्राई कर लीजिए। तो देन माई मॉम ट्राइड एंड मॉम ने ऐसे पहले तो उन्होंने उल्टे डायरेक्शन में किया, सो इट्स बैक टू level 0 ना। फिर उन्होंने टर्न किया, एक बार हो गया, दूसरी बार करने गई, स्टार्ट तो हो गया बट वो बीच में ही फंस गया। सो द सेकेंड टर्न वॉज जस्ट नॉट हैपनिंग। देन थर्ड टाइम डैड ने ट्राइड अगेन। आई वॉज सो डिसइंटरेस्टेड, मेरा ना वो टाइम पे आई वॉज सो टायर्ड एंड सो डिसइंटरेस्टेड कि मैंने वॉलंटियर भी नहीं किया कि मैं ट्राई करती हूँ। मुझे कुछ नहीं है, कुछ सोचना नहीं, यहाँ पे प्लांट्स है तो मुझे छींक आती रहती है अराउंड प्लांट्स। तो या कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो मैंने ना वॉलंटियर भी नहीं किया कि मुझे करना है। यूजुअली इन दिस सिचुएशंस आई एम ऑलवेज लाइक मुझे करना है, मुझसे हो जाएगा। एंड काफी बार हो भी जाता है, बट दैट डे आई वॉज जस्ट लाइक, मैं ऐसे बैठ के सो गई थी घर के बाहर। जब भी मेरी आंख खुली तभी आई सॉ कि मेरे डैड इज बैक ऑन द ट्रायलिंग सेशन कि चाबी घूम जाए। एंड ही ट्राइड फॉर अ गुड 5 मिनट्स। ओके, वो बैठ ही गए जमीन पे, हाँ कैसे ना कैसे करना ही है। एंड आफ्टर 5 मिनट्स माय मॉम लॉस्ट हर पेशेंस। शी इज लाइक, आप रहने दो, मुझे ट्राई करने दो वापस, आप चाबी निकाल के दे दो मुझे। तो देन ही इज ट्राइंग टू टेक आउट द कीज एंड वो नहीं निकल रही है, ठीक है। तो देन वी ऑल पैनिक कि व्हाट इफ द चाबी गेट स्टक, तो हम क्या करेंगे कि हिल भी नहीं रही है, निकल भी नहीं रही थी। काफ़ी बार क्या होता है कि निकाल के वापस डालो तो हो जाता है कभी कभी। सो ही केप ट्राइंग दैट फॉर अनदर 5 मिनट्स की चाबी निकालना है। एंड फाइनली आफ्टर द एंड ऑफ दोज 5 मिनट्स उन्होंने खींच दिया एंड वी गॉट हैप्पी कि चलो बाहर तो आई। एंड देन माई मॉम इज ऑब्जर्विंग एंड शी वॉज लाइक, यार चाबी इतनी छोटी तो नहीं थी, चाबी इससे लंबी थी। एंड आई एम थिंकिंग ऐसे कैसे हो सकता है, चाबी श्रिंक, घिस घिस के चाबी छोटी कैसे हो सकती है। तो फिर मम्मी ने हमारी दूसरी स्पेयर चाबी निकाली एंड शी इज कंपेयरिंग द टू एंड वी सी कि जो चाबी अभी निकली है उसका आगे का हिस्सा मिसिंग है। एंड तभी हम सब ने सर पकड़ा कि हे भगवान, चाबी टूट के ताले के अंदर फंस चुकी है। तो जो स्पेयर चाबी हमने दूसरी वाली पे निकाली थी उसका भी कोई फिर यूजेज नहीं हुआ, बिकॉज जब हमने वो डालने की ट्राई की वो ऑफकोर्स पूरी तरह से अंदर नहीं घुसी क्योंकि अंदर ऑलरेडी एक टुकड़ा फंसा हुआ था। सो बेसिकली वी वर स्टक आउटसाइड द हाउस विद अ लॉट ऑफ सामान एट 3 AM आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर मोर देन 12 आवर्स। एंड देन अगला दिन वर्किंग डे था, एवरी वन हैड वर्क टू गो टू। सो हमारा ये हाल है
कि हम हमारा सारा सामान हमारे पास है, घर खुल नहीं रहा है और ताला टूट चुका है. नाउ इन द सोसाइटी वेयर वी लिव हमारे काफी सारे अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो हम जा सकते थे किसी के भी घर, बट आई डोंट नो, आई एम वेरी लाइक इवन मॉम दैट टाइम वो फीलिंग अ लिटिल शाय कि यार ऐसे किसी के घर पे रात को 3 बज जाना, अगला दिन वर्किंग डे भी था, तो किसी की भी नींद बिगड़ेगी ना. एक तो उनको अरेंजमेंट्स करने होंगे एंड देन कोई भी मेहमान घर पे आता है तो इवन वी गेट अ लिटिल दिस कि उनका ध्यान रखना है. सो वी डिड नॉट फील ओके कि यार किसी घर पे ऐसे जाना. एंड देन इट अकर्ड टू मी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड एक्चुअली वो बाहर गाँव गई हुई थी एंड उसके नेबर के घर उसकी चाबी रहती ही है. सो आई कॉल्ड हर एट 3 AM एंड थैंकफुली शी आंसर्ड. हिमानी इफ यू वॉचिंग दिस थैंक यू. तो शी आंसर्ड एंड शी इज लाइक व्हाट हैपेंड, आर यू ओके, ये टाइम पे फोन, इज एवरीथिंग ओके. एंड आई टोल्ड हर कि नो, एक्चुअली हम घर के बाहर अटक चुके हैं एंड हमारे पास हमारा सारा सामान है. सो या वी नीड टू गो समवेयर, सो इज इट पॉसिबल इफ वी कैन जस्ट पिक अप योर कीज. एंड शी इज लाइक या ऑफकोर्स यू गेट गोइंग, मैं नेबर को इन्फॉर्म करती हूँ. एंड वैसे देन अगेन माई पेरेंट्स वर ये कि यार मेरी फ्रेंड के घर जा रहे हैं, ऐसा अच्छा लगता है क्या. बट शी इज़ लाइक अ फैमिली मेम्बर नाउ, क्योंकि 5 साल से मेरे फ्रेंड्स लाइक रियली रियली क्लोज फ्रेंड्स. तो मैंने उनको ऐसे डांट के चुप करा दिया कि यार कम ऑन, शी इज़ माई फैमिली, आई एम कम्फर्टेबल, यू नो हर, शी इज़ लाइक अ डॉटर, सो वी कैन गो. तो फिर हम रिक्शा ढूंढने बैठे एंड नहीं मिल रहा था यार रिक्शा रात को. प्लस वी नीडेड 2 रिक्शास क्योंकि 3 लोग, बहुत सारा सामान, सो एक रिक्शा में फिट नहीं आता. तो हमको फाइनली 2 रिक्शा मिले. वी वेंट टू अ प्लेस, दैट्स हाउ इट वॉज. फिर उससे घर पे भी आई वॉज अफ्रेड कि यार नेबर की नींद बिगाड़ना, बट देन द आंटी इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस, लाइक शी नोज मी टू. तो शी केम, शी गेव द कीज एंड देन हम हिमानी के घर पे रुके थे टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग. मैं तो आराम से दोपहर को निकली थी उसके घर से. मॉम डैड हैड वर्क टू गो टू, सो दे हैड टू लीव अ लिटिल अर्लियर. बट देन व्हाट हैपेंड इज कि हर मेड केम, लाइक हर मेड स्टिल कम्स अ few days here and there, and she panicked ki ghar pe kaun aaya hai, itna sara samaan kiska hai, like are they back, why did you not tell me. To jaise maid aayi na, I was in my bed like sleeping, scrolling on the phone. She's like, hey Mali, what happened, kya hua, and then I'm like, main hu, it's not Himali, it's me, and we look quite similar. To kaafi time people get confused ki main Himani hu, ki Himani हेली है. नींद में चादर उड़ी हुई रहती है ना, सो ओनली थिंग यू सी इज द फेस, सो दैट्स व्हेन दे गेट कंफ्यूज्ड. सो लाइक गीता टेंशन मत लो, इट्स जस्ट मी. एंड देन एक्सप्लेन और एवरीथिंग कि हाउ वी गॉट स्टक आउटसाइड आवर हाउस एट 3 AM विद लाइक सुपर कंफ्यूज माइंड्स ऑफ व्हाट टू डू. एंड देन शी लाइक, अच्छा बेटा तू सो जा, लाइक तू सो जा, कोई टेंशन नहीं है. But then we had to call the chabi wala in the morning because dad had to go to office and all, so sara saman chahiye tha ghar se, and he came and it took him 4 hours to fix it. And then we just changed that lock, koi oiling nahi chahiye, koi smooth nahi karna usko, wo taala hi badal diya. And finally it is a much smoother lock now, aur do extra locks laga liye just like for additional safety. So yeah, that's my story of how I got stuck outside my house at 3 AM with nowhere to go to would be wrong, because I have a lot of friends, family and relatives in the city. But it was quite an adventure yaar. Imagine aap thake haare itne late aa rahe ho ghar pe wapas, and then all of this happens, like sabki neend ud gayi thi aise walon mein except mine, because I am a sloth, I can sleep anywhere and everywhere. Main kitni baar local train mein bhi aise so gayi hu, एंड बसेस में, एनी वे आई कैन स्लीप. तो आपके साथ ऐसी कोई अजीब कहानी हुई है क्या कि आपका घर ऐसे खुल नहीं रहा और आप अटक गए हो घर के बाहर, या आप घर के बाहर निकले थे 1 सेकंड के लिए कुछ लेने बिना चाबी के एंड घर का दरवाजा बंद हो गया, घर पे कोई नहीं है. यार मेरे साथ कितनी बार हुआ है, मेरे साथ ऐसे मेरी मम्मी के साथ कि मम्मी ऐसी 2 सेकंड के लिए बाहर निकली, मे बी मुझे फोन देना कुछ देने लिफ्ट तक, एंड घर का दरवाजा बंद हो गया. तो पहले तो हम सेम सोसाइटी में रहते थे जहाँ पे मेरे काका काकी, मेरा छोटा भाई और मेरे दादाजी रहते हैं. तो इजी था कि बस एक विंग से दूसरे विंग जाना होता था और चाबी लेके आना होता था. बट नाउ हम 2 अलग एरियाज में रहते हैं, तो अगर अभी ऐसा कुछ हो गया तो वी वुड हैव टू मैनेज टू गो टू देयर प्लेस एंड कम बैक विदाउट एनी मनी. तो अब थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. बट शेयर योर फन स्टोरी टाइम्स ना ऐसे वाले, अगर आपके साथ कुछ हुआ है, इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बहुत मजा आएगा. एंड इफ यू वांट मोर स्टोरी टाइम्स देन लेट मी नो,
I think I still have quite a few stories, so I can make them for you. For example, I was taken to the principal for something that I did not do. And just to give you context, I was a really good student, okay? Really good, as in most teachers care about marks. So I have always scored, I think, more than 90% when I was in school. And main ye bhi thi, student council mein bhi thi, like wo captain and all. And I would always help the teachers. Like, I was that student who would be happy to go to the staff room and bring files for the teachers. Main ye sab kaam karti thi, to main bahut hi achi student thi. To mujhe principal ke paas le jana was a very very big deal for me at that time. So one of my friends locked me in a classroom and a big 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 scene happened. So if you want that story time, let me know, I will make it for you. And if you enjoyed this one, then that makes me very very happy. Ghar ke andar rehna, safe rehna, and meri agli video ka intezar karna. Until then, goodbye. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high.